हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देखेंगे चैप्टर नंबर 11 है और जो कि है आपकी क्लास 4 की बुक से, और इसमें हम लोग करेंगे चैप्टर 11 का अभ्यास प्रश्न। इसका जो है कंप्लीट वीडियो आपको पहले प्रोवाइड कराया गया है, तो आइए अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखो। चलिए इसको हम देख लेते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद जो है हम अवरोही क्रम भी लिख लेंगे। सबसे पहले हम आरोही क्रम को देखेंगे, तो इसमें आपको देखना है सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो सभी का हर जो है 8 है, तो इस प्रकार से जो भिन्न का अंश होगा, जो छोटा होगा वो जो है आपका सबसे छोटा होगा, और जो बड़ा होगा वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है 1 है, तो इसको 1/8 कर देंगे हम। उसके बाद जो है यहाँ पर 2 है, तो इसको हम लिख देंगे 2/8। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। फिर उसके बाद देखेंगे हम तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 4/8। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सा अंक है, तो यहाँ पर जो है 6 है, तो ये हो जाएगा 6/8। और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा ये 7/8। ये जो है इसका आरोही क्रम हो गया, ये जो है सबसे छोटा हो गया, और ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया। अब इसको जो है हम अवरोही क्रम में लिख देते हैं। अवरोही क्रम में जब इसको आप लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पहले हम लिखेंगे, तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो आपका 7/8 है। फिर उसके बाद 6/8, फिर उसके बाद 4/8, फिर उसके बाद जो है 3/8, फिर उसके बाद 2/8, फिर उसके बाद जो है 1/8। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जब आप एक बार आरोही क्रम में निकाल लेंगे, तो इसका जो उल्टा क्रम होगा यही जो है इसका अवरोही क्रम में होगा। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ख, इसमें जो है आरोही क्रम और अवरोही क्रम में ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर जो है अंश इसके बराबर हैं, लेकिन इसके हर में जो है आपको अंतर दिखाई देगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं आरोही क्रम में लिखकर। इसमें वही चीज़ होगी, लेकिन यहाँ पर जो है आपका उल्टा हो जाएगा। जो भी आपका हर बड़ा होगा, वही जो है जो हर का मान जो आपका बड़ा होगा, वही जो है आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, छोटा भिन्न होगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। सबसे छोटे भिन्न को सबसे पहले हम लिखेंगे, तो यहाँ पर 2/11 है, अंश बराबर है, तो हर जो जिसका सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर भी सभी का अंश बराबर है, तो उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आएगा 2/9। उसके बाद जो है देखते हैं कौन इससे बड़ी कौन है, तो इससे बड़ी हो जाएगी 2/7, फिर उससे बड़ी हो जाएगी 2/6, फिर उससे बड़ी हो जाएगी 2/5, और फिर उससे बड़ी हो जाएगी आपकी यहाँ पर 2/3। इस प्रकार से अंश बराबर हो, तो इसमें जो है हर जो बड़ा होगा वो जो है छोटा होगा, और इसमें इसका उल्टा था जो हमने पहले देखा। इसमें जो है हर बराबर था, तो जो अंश सबसे छोटा था तो वही जो है भिन्न हमारी सबसे छोटी थी, लेकिन यहाँ पर जो हर जो है सबसे बड़ा है वो भिन्न छोटी है। इसी प्रकार से अवरोही क्रम भी हम निकाल सकते हैं। चलिए इसी को आप उल्टा कर दीजिए, सबसे बड़ी संख्या 2/3 हो जाएगी, फिर उसके बाद 2/5 हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ये 2/6 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये 2/7 हो जाएगा, फिर ये 2/9 हो जाएगा, फिर ये 2/11 हो जाएगा। इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर भिन्न 5/6 के समतुल्य ऐसे भिन्न लिखो जिसका अंश जो है 20 हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले भिन्न को लिख लेंगे। अब हमको जो है अंश कितना है 5, लेकिन हमको अंश कितना करना है 20। तो इसके लिए हम जो है या तो 5 में जो है गुणा करते जाएं 20 तक पहुँच जाएं, या फिर 20 में जो है 5 का भाग दीजिए, 5 × 20 4 बार जाएगा। तो इसमें जो है हम क्या करेंगे कि 4 का ऊपर और 4 का नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे गुणा किसी भी संख्या का इसलिए किया जाता है जिससे कि भिन्न के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आ जाएगा 5 × 20, और ये हो जाएगा 6 × 24। ये आपका जो है कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3/5 है और ये 15 है। 5 में कितने का गुणा करें कि ये जो है 15 हो जाए, तो 5 3 15। उसी प्रकार से 3 में हम
तीन का ही गुणा करेंगे, क्योंकि नीचे तीन का गुणा हुआ है, ऊपर भी तीन का होगा, तो 3 * 9। इस प्रकार से इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 है 42 है, तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, 6 * 42, 6 * 42, तो इसका मतलब इसमें 6 का गुणा किया गया है। अब इसमें भी हम 6 का गुणा कर देंगे, 6 * 2 ये हो जाएगा आपका 12। ठीक इसी प्रकार से इसको भी देख लेंगे, 3 * 4 = 12, मतलब यहाँ पर 4 का गुणा किया गया है, और यहाँ पर भी 4 का गुणा हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 * 4 = 16। इस प्रकार से आप खाली स्थान को आसानी से भर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो है आपको सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न को छांटकर लिखना है। चलिए सबसे पहले हम सम भिन्न को देख लेते हैं। सम भिन्न, तो सम भिन्न आपको पता ही है, ऐसी भिन्न जिसका जो है अंश हर से जो है छोटा होता है वो सम भिन्न कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले 3/4 है, 2/3 है, और उसके बाद यहाँ पर 4/5 है, फिर उसके बाद जो है आगे आपकी कोई भी भिन्न नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4, 2/3 और उसके बाद यहाँ पर 4/5। अब इसके बाद हम लिखेंगे विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होता है, तो विषम भिन्न में, तो विषम भिन्न की जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, अंश और हर या तो बराबर होंगे या फिर अंश जो है हर से क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अंश और हर बराबर है, और यहाँ पर अंश जो है हर से बड़ा है, और यहाँ पर भी अंश जो है हर से बड़ा है। तो इस प्रकार से विषम भिन्न यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5/5, 11/3 और उसके बाद यहाँ पर 13/7। इसमें आप ध्यान देंगे तो अंश जो है हर से क्या है, बड़ा है। और मिश्र भिन्न आप जानते ही हैं, यह जो है 1 के बराबर या 1 से अधिक होती है, तो ये जो है सही बटा में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 ऐसी भिन्न हैं जो मिश्र भिन्न के रूप में हैं, तो इसको आप मिश्र भिन्न में लिख देंगे 2 * 5/7 और जो है 1 * 6/7। ये भी जो है आप इसको गुणा करके जो है मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न को जो है विषम भिन्न में बदल सकते हैं। 7 * 2 = 14, 14 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है मिश्र भिन्न जो है इसमें पहचान करनी है, तो ये दोनों आपके जो है मिश्र भिन्न हो जाएंगे। रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह जो है आपको लगाना है, बराबर का, बड़ा, छोटा, इसके बाद इसको जो है खाली स्थान को भरना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 5/6 है और 11/12 है, तो इसका भी हर 12 करने के लिए हमको जो है कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2, 6 * 12 और इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 * 10, तब भी जो है आप इसका जो है देखेंगे तो ये 10 होगा 11, तो 11 वाला जो है आपका ये बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको भी देखिए, यहाँ पर किसी वस्तु के जो है 2 भाग किए गए हैं और 1 भाग लिया गया है, और यहाँ पर उस वस्तु के जो है 3 भाग किए गए हैं और 1 भाग लिया गया है, इसका मतलब क्या है, आपका ये जो है बड़ा है। और ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका अंश जो है वो क्या है, बराबर है। इस कंडीशन में जिस भिन्न का जो है हर छोटा होगा वही भिन्न आपकी जो है बड़ी हो जाएगी, तो 2 छोटा है इसलिए यहाँ पर 2 आपका बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, तो 1/2 है, 5/12 है, तो यहाँ पर हम 6 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6 * 12 और यहाँ पर भी आप 6 का गुणा करेंगे, 6 * 1 = 6, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1/2 आपका जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप घ को भी देखेंगे, तो 10/3 है, 4/3 है, तो इस प्रकार से जिसका अंश बड़ा हो जाएगा वही बड़ा हो जाएगा, 10/3 आपका जो है यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है कि जो है नीचे दिए गए कथनों में सही के सामने सही या गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। कह है सम भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है, अगर मान लीजिए कोई भिन्न है उसका अंश जो है हर से बड़ा है, मतलब यहाँ पर 7 है और ये 6 है, तो क्या ये सम भिन्न होगी? तो ये जो है आपका पहला ही गलत है, क्योंकि ये जो है आपकी विषम भिन्न होती है, तो ये आपका पहला कथन जो है वो गलत है। अब दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। विषम भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है, तो विषम भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा होता है, ये सही बात है। ठीक, उसके बाद ग कह रहा है 5/5 विषम भिन्न है। हाँ बिल्कुल है, विषम भिन्न में या तो जो है
अंश और हर बराबर होंगे या फिर अंश जो है हर से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से ये भी आपका कथन सही हो गया। घन नंबर देख लेते हैं, 6/8 विषम भिन्न है जी नहीं, क्योंकि अंश जो है हर से छोटा है, इसलिए ये जो है आपकी विषम भिन्न नहीं है। उसके बाद 6 देख लेते हैं, मिश्र भिन्न सदैव 1 के बराबर या 1 से बड़ी होती है, तो ये भी आपका कथन सही है। मिश्र भिन्न सही बटा में होगी और उसका मान जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर ही होता है। चलिए इसके बाद जो है 7 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं, उत्तर लिखो। क्या है ऐसी 5 भिन्न जिसका मान 1 हो, तो ऐसी भिन्न जिसका मान 1 हो तो उसमें जो है उसका अंश और हर दोनों बराबर हो, तो ऐसी भिन्न जो है उसका मान 1 होगा। तो 5 पूछ रहा है, तो कोई भी आप जो है अंश और हर जिसका बराबर हो उसको आप लिख दीजिए। आपका जो है भिन्न आपको जो भी मिलेगा वो है आपका जिसका मान 1 हो जाएगा। 5 × 5 = 7, 1 + 7 = 6, 1 + 6 = 8, 1 + 8 = 9, 1 + 9 = 9। तो इस प्रकार से भिन्न आप निकालेंगे तो इसका मान 1 होगा जिसका अंश और हर दोनों बराबर होगा। अब जो है ख कह रहा है ऐसी 3 भिन्न जो 2 के बराबर हो, तो जिसका अंश जो है हर से 2 गुना हो, जैसे यहाँ पर आप 6 लिख दीजिए बटा 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए बटा 2 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए बटा 4 लिख दीजिए, और यहाँ पर जो है 10 लिख दीजिए बटा 5 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप आगे जितना भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितना पूछा है 3 पूछा है, तो यहाँ पर 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, और यहाँ पर 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10। ऐसी कंडीशन में आपका अंश जो होगा वो हर से जो है 2 गुना होगा। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भिन्न सरलतम रूप में है। तो यहाँ पर देखेंगे 9/11, इसको और छोटा करेंगे तो ये और छोटा नहीं होगा। 2/4 को छोटा करेंगे, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3/6 को 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और इसको जो है अगर करेंगे 6/9 को 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। तो इसके प्रकार से जो है आपका जो सरलतम रूप है वो आपका 9/11 है। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।